क्वेश्चन नंबर 31, SFM लिमिटेड wants to evaluate the potential elimination of division Z. The basic information regarding cost and revenue is given below. जो SFM लिमिटेड है वो division Z को बंद करना चाहता है, उसके एलिमिनेशन के बारे में सोच रहा है और कॉस्ट और रिवेन्यू के जो स्टेटमेंट है वो नीचे दे रखी है। इधर डिवीजन एक्स एंड वाई है और इधर डिवीजन जेड है, इधर टोटल है, ठीक है। इधर दो का दे रखा है एक्स एंड वाई का। सेल्स है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, फिर माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर माइनस करोगे ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, यानी ये ट्रेसेबल मतलब स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, ये अवॉइडेबल है एक तरीके से, ठीक है। ट्रेसेबल का दूसरा नाम होता है अवॉइडेबल, स्पेसिफिक, एडिशनल, ये मान लो, ठीक है। अलोकेटेड नहीं है ये, अब्सॉर्ब नहीं है ये। फिर डिविजन इनकम यानी नेट प्रॉफिट जो हुआ, ये हो गया नेट प्रॉफिट हो गया इसका। ये पहले में कहता है रिक्वायर्ड में व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय एलिमिनेटिंग डिविजन जेड इफ ऑल कॉस्ट ट्रेसेबल टू डिविजन जेड आर अवॉइडेबल शुड द कंपनी एलिमिनेट। ये कहता है कि 12 के 12,000 अगर अवॉइडेबल है, यानी डिवीजन जेड को बंद करके हम ये 12 के 12,000 का जो हमें फिक्सर्स पड़ रहा है अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं तो क्या डिवीजन जेड का एलिमिनेशन सही है। दूसरे में कहता है कि अगर 12 में से सिर्फ 6,000 ही हम अवॉइड कर सकते हैं और 6,000 हमें बाद में भी इनकर करना ही पड़ेगा डिवीजन जेड बंद करने के बाद, तब बताओ अगर ये सिर्फ 6,000 अवॉइडेबल हम अवॉइड कर सकते हैं तब क्या डिवीजन जेड का बंद करना अच्छा है कि बुरा है, तो ये देख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट केस में जब पूरा का पूरा 12,000 जो है हम अवॉइड कर सकते हैं डिवीजन जेड को बंद करके, तब देखते हैं तब की क्या सिनेरियो है। तो हमारा सबसे पहले तो देखते गेन क्या है। गेन तो जी हम वही 12 के 12,000 हम बचा लेंगे, और कोई गेम के बारे में ना बोल रखा है ना किसी और कोई लॉस के बारे में बोल रखा है। अब लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस के बारे में क्या है कि हमें भाई सब कंट्रीब्यूशन का लॉस है, कंट्रीब्यूशन कितना 7,000 का लॉस, तो नेट गेन कितना रहा 5,000 का। यानी अगर हमें फर्स्ट केस में जिसमें कि बता रखा कि 12 के 12,000 रुपये हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी 12,000 का हम सेविंग कर सकते हैं, तो उस केस में हमें जो है डिवीजन जेड को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिवीजन जेड को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा जो बेनिफिट हो रहा है ये 5,000 का वो नहीं होगा। नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, बंद करने से 12,000 का गेन हो रहा है और चालू रखने से 7,000 का लॉस हो रहा है, यानी हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमें 5,000 का ज़्यादा मिल रहा है डिसकंटिन्यू करने से, इसे बंद करने से। सेकंड में कहता है कि 6,000 अगर सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं तब क्या होगा, तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हमारी 6 हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन लॉस वही 7,000, यानी बंद करने से हम इतना जो है हम सेविंग कर लेंगे अपनी, और बंद करने से हमारा लॉस इतना हो जाएगा, यानी बंद करने से लॉस ज़्यादा हो रहा है हमें, हैं। तो हमें बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें 1,000 का लॉस ज़्यादा हो रहा बंद करने पे। डिसकंटिन्यूएंस नॉट अप्रोप्रिएट, इसमें डिसकंटिन्यूएट नहीं, यहाँ पे डिसकंटिन्यूएट अप्रोप्रिएट था क्योंकि डिसकंटिन्यू से 5,000 का हमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, ठीक है।